एक सिंगर है विलेन, उसका 30 तारीख को 30th अक्टूबर को भोपाल में शो था। और आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि विलेन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स, और मैं उसके शो में गया नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता था या फिर मैं उसको अपने आंखों के सामने देखना नहीं चाहता था। विलेन एक ऐसा सिंगर है जिसके वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जिसका एक डीप इम्पैक्ट है मेरी लाइफ की तरफ। तो वो मैं सिर्फ उसके कॉन्सर्ट में जाके उसको एक बार देखना नहीं चाहता था, मैं उनसे एक बार फेस टू फेस मिलना चाहता था। और फेस टू फेस मिलने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं कॉन्सर्ट में जाता तो मैं उनसे मिल पाता, और ये सिर्फ एक ड्रीम की तरह होके रह जाता। ये कोई स्पेशल वीडियो नहीं है, ये तो बस एक व्लॉग है जिसमें मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। पर हम आ गए हैं, कपड़े बदल लिए, कपड़े वाले गंदे हो रहे थे। हनुमान मंदिर हुआ है, आज ट्यूसडे है, हनुमान मंदिर जाना अच्छा होता है, भूत प्रेत भग जाते हैं। पोहा खा रहे हैं नेपाल, पोहा आप खा ले, पोहा पोहा भोपाल में, पोहा इंदौर में, पोहा सेव परमल खूब चलता है। पैसे रख लिए हैं, अब जरा एटीएम होके आते हैं, पैसे जमा करने, किस्तें बढ़ने ना, किस्तें हैं हमारी। ये पैसे जमा करने आए, हमने कार्ड डाला वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। सारी गलती हो गई, नहीं आउट ऑफ स्टॉक, नहीं आउट ऑफ सर्विस, मतलब हमारा कार्ड के इतना खराब है कि आउट ऑफ सर्विस हो जाए। देखते वेट कर रहे हैं सर्वर का कि सर्वर वापस आ जाए, बाकी सब बढ़िया। आप सुनाए, बैंक में जमा कर दिए हैं अभी, वो तो आउट ऑफ सर्विस है एटीएम वाला, तो अभी बैंक में जमा कर दिया। भैया अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक चैलेंज किया, उस चैलेंज में ऐसा था कि ये जो रॉड है, ये रॉड को हाथ में ऐसे स्ट्रेट पकड़ना है, और कितने मिनट तक पकड़ लिया जो, मतलब वो जीत गया। तो झल्ला हमारा जो लड़का पेटीज बनाता है संजू भाई, कहते हैं कि ये नहीं कर पाएगा एक मिनट तक, अगर एक मिनट में कर लिया इसने तो मैं इसको 50 रुपये दूंगा। मैंने कहा भाई 2 मिनट मैंने कर लिया, वो 1 मिनट कर लेगा। कहते नहीं 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 कर पाएगा, ये 7 सेकंड तक टिके तुम्हारा भाई, 2 मिनट तक। अब देखते हैं झल्ला कितनी देर तक टिकता है, जरा आप देखें। हारने वाले मुझे तो लग रहा, मुझे मेरी प्रिडिक्शन ये कि वो लड़का 50 रुपये जीत जाएगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। उसे टाइम नहीं दिखा मेरे को, देख ले आप, टाइम तो दिखा सकते हैं। गल्ला भैया 100 रुपये का, 100 रुपये कमा के जाएगा तो मुझे नहीं दी बराबर करना है, और बार करना हो तो बता, और बने करना होगा ना, हो जाएगा साइड करना है क्या, तो मरना है 50 तक गए और करना है क्या, नहीं इसी पकड़ना है बढ़िया। 10 सेकंड और 50, 1 मिनट हो जाएगा, 10 सेकंड में 50 रुपये जीत जाएगा लड़का। 1 मिनट हो चुका है भैया, 50 रुपये जीत चुका है, 100 लेके मानेगा।
अबे क्या अबे अबे क्या वो देखा है वो कुछ वो कुछ कौन दे रहा है वो दस मिनट करेगा पांच सौ दूंगा दस मिनट करो देगा भैया लड़का जीत चुका है 50 रुपए का हकदार है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? अभी देते हैं दोस्तों, देते देते नहीं है। पैसे मिलेंगे हमको 50 रुपए अभी का भी दो। आप शर्त लगाई थी आपने, करता 50 रुपए का पेटीएम है नहीं इस बंदे का पास। मैं करता हूँ, मेरे को क्यों आप दोनों उसको आप करता हूँ मैं, ठीक है मेरे को कर दे 25-25। ये कितने का रहे कितने का रहे? देखने भाई आ जा गया 50। अरे मेरे मेरे 300 रुपए वो देंगे इतने पैसे नहीं माल मामा है मेरा बना देना पड़ेगा कुछ। मेरे 300 रुपए कौन दे भैया? देखो आज हमसे मिलने कौन आया है, कौन आया है? चीज आया, कृष्णा आया भैया मिलने। कृष्णा बॉय नाम है इनका। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? परसों आएगा ये, ठीक है बर्थडे उसका बर्थडे, वो चॉकलेट देगा, चॉकलेट देनी चॉकलेट देगा, परसों आएगा। कहाँ है? बुलाया मेरे क्या? बिना बुलाया आ जाना। तुम तो बिना बुलाया आ जाना राज भाई। जी तो फाइनली होम, और कुछ बात करनी है आपसे। बात यह है कि पहला मैंने अपनी कम्युनिटी पे एक पोल डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि स्पेशल वीडियो प्लान कर रहा हूँ तो किस बारे में स्पेशल वीडियो होनी चाहिए। तो उस पोल में दो ऑप्शंस थे, पहला था फूड के ऊपर कि खाना वाना का बनावट, या दूसरा था ट्रैवल। ज़्यादातर लोगों का आया है ट्रैवल के लिए, वो ट्रैवल की वीडियो मैं बहुत जल्द प्लान करने वाला हूँ और मैं निकलने वाला हूँ कहीं बाहर वाहर। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अपनी बाइक से निकलूँ, अभी पक्का नहीं, तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि टॉकिंग अबाउट विलन, जिससे ये वीडियो की शुरुआत हुई है, वो ये है कि विलन को लेके बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि वो इतना अच्छा कुछ सिंगर नहीं है, बाकी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर है, एमसी स्टैन रैपर्स वगैरह हैं। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। टॉकिंग अबाउट विलन, तो विलन के बारे में अभी जो मेरे को मिक्स्ड रिव्यू मिला है लोगों का, मतलब जैसे मैं बात करता हूँ लोगों के साथ, आई गॉट टू नो दिस अबाउट हिम कि ज़्यादातर लोग विलन को पसंद नहीं करते, उसकी सिंगिंग पसंद नहीं करते। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, मतलब जो मैंने लोगों से बातचीत सुनी है। लेकिन विलन हैज़ अ डिफरेंट रोल इन माय लाइफ, और वो शायद मैं किसी और सिंगर के साथ या फिर किसी और एक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि विलन का एक सॉन्ग था चिड़िया जो कि इट इज़ कैप्ट इन माय हार्ट, और बहुत ही डीप मीनिंग है उसका, बहुत सा और सारे सॉन्ग जितने भी उसके सब में डीप मीनिंग होता है, इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा फेवरेट सिंगर है और मैं उसका बड़ा फैन। जब भी मैं उससे मिलूँगा आई वॉन्ट टू से दिस टू हिम कि यू आर अ ग्रेट सिंगर, यू मीन सो मच इन माई लाइफ एंड योर वर्ड्स इन एवरी सॉन्ग हैव सम मीनिंग इन इट। तो ये सब मैं उससे बोलूँगा, मैं उसे एक बार हग, अगर हग मतलब गले मिल लूँगा अगर इफ़ इट्स पॉसिबल, पर मैं उससे मिलूँगा फेस टू फेस, जिसमें उसको भी पता होगा कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। और जितने भी मेरे सपने पूरे होंगे उसमें से ये मेरा एक सपना है टू मीट विलन, और इसको जब भी ये पूरा होगा, आई डोंट नो एक साल दो साल, जब भी व्हेनेवर दिस विल हैपन, नेवर आई विल मीट विलन, तब मेरी एक प्लेलिस्ट आएगी और उस प्लेलिस्ट का नाम होगा ड्रीम कम ट्रू। शब खैर। GOD GIFT माचिस की तिल्ली।